विधायक अनुभा मुंजारे ने सरकारी कार्यक्रम में अपमान करने का लगाया आरोप। कलेक्ट्रेट में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया प्रदर्शन। शारदीय नवरात्र पर्व 3 से प्रारंभ, तैयारियां पूरी। शहर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट स्कूल सभागार में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर स्वच्छता सेवा अभियान का समापन और मिलेट्स रोड शो कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपये की परियोजना का भूमि पूजन किया। बालाघाट क्षेत्र विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रोटोकॉल उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के प्रति पक्षपाती है और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चाहते बिना भेदभाव के सबका सम्मान हो, प्रोटोकॉल का पालन हो और विकास की बात हो। बिल्कुल, मैं अभी तत्काल इसकी शिकायत, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जी से हमारी इतनी अच्छी भेंट हुई, मान सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि मैं किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ मेरे मध्य प्रदेश खुशहाल हो और आम जनता हमारे प्रदेश की खुशहाली का जीवन जिए। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर गांधी जयंती मनाई। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और 17 सितंबर से शुरू हुए श्रमदान अभियान का समापन किया गया। समापन दिवस पर कार्यालय के चारों ओर सफाई की गई, जिसमें कटीली झाड़ियाँ और घास को हटाया गया। श्रमदान का नेतृत्व अपर कलेक्टर GS ध्रुवे ने किया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने सभी अधिकारियों को बधाई दी और अभियान की सफलता की सराहना की। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर 2024 को ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ग्रामीण बैंकों के 49 वर्षों का जश्न मनाते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने सांकेतिक उपवास किया। संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग की और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी मांगे रखी। हम लोग भारत सरकार से भी, आम जनता से भी, हमारे मीडिया के साथियों से भी निवेदन करते हैं कि ये हमारे जन आंदोलन को समाज के अंदर पहुंचाने का कष्ट करें। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने लामता में स्वच्छता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डोलेश्वरी टेम्भरे के नेतृत्व में पंचायत भवन, थाना परिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कचरा उठाया गया। इस दौरान सरपंच, सचिव, जिला पंचायत सदस्य और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्वयं सेवकों ने दुकानदारों और ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। आज ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में आज ये स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा, आज इसका समापन था। इसके अंतर्गत आज सभी धार्मिक स्थल दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल और बाजार चौक जहाँ पर दुर्गा स्थापना होना है, मंदिर और पंचायत के आसपास और गांधी चौक और बाजार चौक में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी NSS के छात्रों के द्वारा भी यहाँ बहुत सहयोग दिया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जो हमारा पूजनीय जो गांधी जी हैं उनका आज जयंती को लेकर हमने एक स्वच्छता अभियान के तहत अभी करके जो काम किया है 17 तारीख से लेके, तो उसका आज हमने समापन कर दिया। ग्राम पंचायत लामता में लगभग 15 दिनों से तेंदुए का आतंक ग्रामीणों में भय पैदा कर रहा है। तेंदुआ बालाघाट से नैनपुर नेशनल हाईवे पर देखा गया और गत रात महामाया पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में उसकी गतिविधियां कैद हुईं। वीडियो वायरल होने से दहशत बढ़ गई है, लेकिन वन विभाग ने इस अवधि में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों में चिंता और भय का माहौल है, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बोलना चाहते हैं कि गांव में आके परेशान कर रहे हैं, अधिकारी लोग साथ नहीं देते, रात के समय में आते हैं और घूम के चले जाते हैं। तो आपके द्वारा तेंदुआ कहाँ कहाँ देखा गया? मतलब पेट्रोल पंप के तरफ, तहसील के बाजू में और वो टंकी के तरफ। हाँ, सूचना प्राप्त हुई है कि लामता में एक तेंदुआ घूम रहा है,
मूल रूप से पिछले 6-8 महीने से पूरी रेंज के अंदर एक मादा तेंदुए दो बच्चों के साथ घूम रही है और विभाग की तरफ से भी सतत गश्ती की जा रही है, पटाखे फोड़ के उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, इसलिए वो घूमते हुए अभी लामता से लगे जंगल में आ गई है। यहाँ भी हम लोगों के द्वारा एक पिंजरा रखा गया है, रात्रि समय विभाग गश्ती कर रहा है, मुनादी भी कराई गई है ताकि लोगों को तेंदुए। शारदीय नवरात्र का पर्व इस वर्ष 3 अक्टूबर से मनाया जाएगा, जिसमें मां दुर्गा की पूजा पूरे जिले में धूमधाम से होगी। देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट के साथ तैयार किया गया है। मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जबकि श्रद्धालु घरों में जवारा और कलश स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। आयोजन समितियों ने माता रानी के पंडाल को सजाने का कार्य पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन और पुलिस इस पर्व को लेकर अलर्ट है ताकि सभी आयोजन सुचारू रूप से हो सकें।